वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस कुकिंग पैशन। आज हम दाल पालक की रेसिपी दिखाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी है, तो आइए शुरू करते हैं। इसे कैसे करके बनाते हैं, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को दबा देना। तो आइए शुरू करते हैं इसे कैसे करके बनाते हैं। तो पहले हमने यह कढ़ाई पे थोड़ा सा पानी डाला है और यहाँ पे हमने पालक ले लिया है। पालक को अच्छे से धोकर वॉश करके हमने ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो इसको हम इस पानी में डालकर इसको बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे अच्छे से। तो ये हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से ढक करके हम उबालने के लिए छोड़ देते हैं। और दूसरी साइड में हम दाल फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कप हमने मूंग की दाल लिया है, इसको हम ऐसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जस्ट हल्का सा। इसको एकदम मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको हम चलाते हुए थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसको हाई फ्लेम पे मत भूनिएगा, उसको हम एकदम ही लो मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसमें से जब हल्का सा खुशबू आ जाए ना, तब हम इसको और हल्का सा हम कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये दाल हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें से बहुत अच्छे से खुशबू निकलने लगा है और दाल भी हमारा हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और उसमें पानी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से निकाल के वॉश कर लेंगे ताकि ये देखिए इसके ऊपर जो गंदगी है वो चला जाए। तो इसको हम 2 से 3 बार नॉर्मल पानी से हम वॉश कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसको बॉईल करने देंगे। तो हम ये पालक को चेक कर लेते हैं, पालक भी हमारा हो चुका है। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसको अच्छे से छान कर निकाल लेते हैं। फिर हम नॉर्मल वाटर से हल्का सा एक बार धो लेंगे। फिर हम इसमें से जो पानी है वो निकाल कर साइड में रख देंगे। तो अब दूसरी साइड में हम इस दाल को बॉईल करने के लिए देंगे प्रेशर कुकर में। थोड़ा सा पानी डाल के इसको उबाल लेते हैं हम। इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी देंगे, ये बहुत जल्दी ही पक जाएगा। तो दाल हमारा इस साइड में पक चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से दाल गल चुका है। तो अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। यहाँ पे हमने 1 चम्मच के करीब, 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर हम इसमें 2 लाल मिर्च को, सूखी मिर्च को हम इसे तोड़ के इसमें डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसके साथ ही हम थोड़ा सा 1/2 चम्मच हम ज़ीरा डाल देंगे। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा 1 इंच अदरक को उसे कूट कर हमने इसमें डाल देंगे। हल्का सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि अदरक जो है वो जल्दी से जल ना जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया है और इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम जो पालक है वो हम इसमें डाल देंगे। पालक को अच्छे से हमने पालक से निचोड़ लिया है, थोड़ा सा ही पानी है। तो इसको इस मसाले के साथ अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ पे हमने अभी थोड़ा 1 चम्मच नमक डाला है।
बाद में लगेगा तो हम यूज़ करेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। इसमें हम 1/2 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से डालना, मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच डाला है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं फिर से। और अब हम इसमें जो दाल है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए दाल बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए दाल को हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दाल को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और जो कुकर में थोड़ा सा भी दाल लगा है उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालना, आप कितना पतला या गाढ़ा रखते हैं उसी हिसाब से डालना। तो इसको हम इसी कंसिस्टेंसी में रखेंगे। इसको थोड़ा सा उबालने देते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च लिया है, इसको तोड़कर इसमें डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से यूज़ करना। ये बहुत ही हेल्दी एक डिश है। इसे आप गर्मी के मौसम में किसी भी टाइम पे आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम उबालने के लिए रख देते हैं, ढक देते हैं इसे। तो ये देखिए दाल हमारा उबल चुका है। ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है, तो उसको और थोड़ी देर हम उबालने देंगे। तो ये देखिए दाल हमारा ऑलमोस्ट डन। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ये एकदम रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा यानी कि 1/4 चम्मच से भी कम हमने गरम मसाला डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर हम सर्व कर लेते हैं इसे गरम गरम। तो ये देखिए ये हमने सर्व कर लिया है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं और नहीं तो आप इसमें तड़का डाल के भी खा सकते हो। हमने इसमें जस्ट तेल और तेल में थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च डाल के तड़का दिया है। तो ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी होता है और आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही हेल्दी भी होता है। और कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को दबा देना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।